काल्पित माध प्राय उस चर को लेते हैं जिसका मान सर्वाधिक होता है। ये तो गलत दिख रहा है, ये नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि काल्पित माध्य जो होता है उस चर मान को लेते हैं जो सबसे अधिक या सबसे कम चर मानों का मध्य में हो या उसके करीब करीब बीच में हो, है ना। देखे थे ना, अगर मैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 40 से 50 ये वर्ग अंतर लिया था और इनकी इनके वर्ग चिन्हों को मैं यहाँ पे लिखा था 5, 15, 25, पिछले क्वेश्चन में बताया था ना जी आपको 35, 45, है ना, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, तो इसी को ना हम लोग लेते थे, बताया था मैंने मध्य के मान को हम लोग लेते थे, काल्पित माध्य मध्य के मान को लेते थे। तो वही मैं कह रहा हूं, तो यह कह रहा है कि काल्पित माध्य प्राय उस चर मान को लेते हैं जिसकी जिसका मान सर्वाधिक है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग किसको लेते हैं, बीच वाले को लेते हैं, मध्य में होता है उसको लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 6-6 रहते हैं यानी कि ऐसे 55 भी एक और इंक्लूड हो गया, 6 हो गया, तो इन दोनों में से कोई ले लेते हैं, करीब करीब बीच में हो उसको हम लोग ले लेते हैं, है ना। मध्य मानों के करीब करीब बीच में हो उनमें से कोई भी ले सकते हैं, जबकि चर मान होंगे उसमें से किसी को भी ले सकते हैं जो बीच में होंगे, है ना। अगर दो को बीच में आ रहा है तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ये हम लोग देखे थे ना, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना जी। देखो